Oh guys, it feels so nice to be here in between the mountains. सुबह से बारिश हो रही है. ऑफ कोर्स मुझे पता नहीं है कब तक मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पे या क्या सीन है, बट जो भी है, आई मीन देर इज़ नो यूज़ रिग्रेटिंग द सीन. यू नो, रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, सो वाई नॉट जस्ट एन्जॉय द माउंटेंस, एन्जॉय द व्यूज़ एंड जस्ट चिल. कभी ना कभी तो पहुँच ही जाऊँगा, आज नहीं तो 7 दिन बाद सही. बट ये जो यादें हैं ना, द मेमरीज, आई थिंक दोज विल रिमेन फॉर एवर. ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. पहलगाम इज प्रॉबली वन ऑफ द नाइसेस्ट डेस्टिनेशंस दैट यू कुड एवर एवर विजिट. After those cinematic shots, it's time to have some lunch. पूरा एक्सप्लोर किया इस वाले प्रॉपर्टी को. बारिश अब तक रुकी नहीं है, यहाँ पे बर्फ अब तक नहीं पड़ी है. लाइक प्रॉपर अगर मैं ऊपर जाऊँ पहलगाम में, विच इज़ अबाउट 10 kilometers फ्रॉम वेयर वी आर राइट नाउ फ्रॉम दिस लॉज, वहाँ बर्फ है. क्योंकि ऊपर से जो गाड़ियाँ आ रही थी ना, वहाँ पे मुझे दिख रहा था कि काफ़ी बर्फ है गाड़ियों के छत में और पूरी गाड़ियों में. यहाँ पे राइट नाउ इट्स रेनी, इट्स मतलब क्या बोलूँ, ड्रिजल हो रहा है, मोर ऑफ अ ड्रिजल राइट नाउ. Still no snow, but this is our dinner table or lunch table for now. This is how it looks. और खाना क्या आएगा दिखाते हैं आपको, and then we'll have food because the entire place looks very magical, more like an, you know, very old school feel जिसको कहते हैं ना. मैं बार बार ये कहता हूँ because I am somebody who is very old school in certain stuff. Maybe not in thinking, but generally ऊपर यहाँ पे और भी rooms यहाँ पे ऊपर हैं. But for now, दिस इज़ द लेटेस्ट. लंच का इंतज़ार है. बाहर बारिश अगर रुक जाती है तो शाम को बाहर वाला जो मेन रोड है ना, वहाँ पे चल के थोड़ा आगे तक जाएंगे, फोटोज़ खींचेंगे, बिकॉज बारिश के जस्ट बाद का जो फील होता है, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी कैप्चर्ड, क्रिएटेड इन मेमरीज. The food, rice, chicken, mixed veg, dal, rajma, chapati, and this is something which I think I like best. Bahut classy, very beautiful. Aur fulke pe fulke aaye ja rahe hain. Khana bhi humne shuru kiya nahi hai. And of course, there is the view outside of the valley. Barish hue ja rahi hai. Aur khana shuru karte hain yaar, fir milta hu aapse because we are really really hungry. तो गाइज़, मैं बता ही रहा था आप लोगों को कि स्नोफॉल होने के आसार हैं. और जैसे ही मैं खाना खाने के लिए बैठा तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या हो रहा है, स्नोफॉल हो गई शुरू. अब ये स्नोफॉल कब तक चलेगी क्या नहीं, उसका कोई भी आइडिया नहीं है. फिलहाल तो इट इज़ बिकमिंग अ वाइट वंडरलैंड. धीरे धीरे जो है पूरी जगह वाइट हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो कम्प्लीटली हैवी स्नोफॉल है. और अब पहलगाम भी जो है वाइट चादर के नीचे ढकने वाली है. तो ये एक चीज़ जो है कश्मीर वैली में, पूरे कश्मीर में हम आते हैं सब देखने, एंजॉय करने. क्यों? क्योंकि विंटर्स में स्नोफॉल का अपना अलग मज़ा है. और ऑफ कोर्स जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा मेरे व्लॉग्स के थ्रू कि फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं. मैं लिटरली फंस के यहाँ कश्मीर में अभी हूँ, करीब और 2 दिन एक्स्ट्रा मुझे होने वाले हैं फंस के. बट मैं इसको फंसना नहीं बोलूँगा, मैं रादर ये बोलूँगा कि हाँ यार ठीक है, एक एक्सपीरियंस है. मे बी God wanted me to explore the Kashmir Valley even more. तो मेरे को शायद अभी 6 दिन का एग्जैक्ट प्लान जो मेरा था वो एक्सटेंड करवा दिया भगवान ने. मैं तो इसको उसी तरीके से देखता हूँ, rather than looking at it at a different or negative way. तो बर्फ जो पड़ रही है उसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स आप इन्जॉय कीजिए फिलहाल. और हाँ, मे बी आई विल गो एंड हैव माई क्विक लंच एंड देन शो यू मोर. एंड दैट इज़ अ लिटर कॉटेज जहाँ पर मैं हूँ आज और कल. बेहद खूबसूरत ये शाम अब होने वाली है बिकॉज एवरीथिंग इज टर्निंग वाइट स्लोली बट श्योरली. अगर आपने कभी स्नोफॉल एंजॉय नहीं किया है ना, स्नोफॉल कभी आपने देखा नहीं है लाइव अपनी आँखों से, देन इट इज़ एब्सोल्युटली मैजिकल. आई मीन बारिश और स्नो दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ हैं. गिरती दोनों ही आसमान से हैं, बट दोनों का जो अपना मज़ा है वो कम्प्लीटली अलग है. स्नोफॉल का तो अपने में अलग सॉलिड मज़ा है. अभी ठंड है
बट वो फील नहीं होती बिकॉज स्नोफॉल के दौरान आपको ठंड फील नहीं होती. ठंड फील होती है कब? जब स्नोफॉल हो जाती है या स्नोफॉल से पहले. तो वो एक चीज़ है, थोड़ा सा गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता था. जाता हूँ फटाफट, लंच ख़त्म करता हूँ और उसके बाद आराम से आपको दिखाऊँगा वाइट चादर स्नो की. एंड फिलहाल आप एंजॉय कीजिए कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल स्नोफॉल.